हमने इसके लिए लगभग 1.5 किलो का एक कड़कनाथ मुर्गी को ले लिया है। मुर्गी के पंखों को जलाकर निकालने के कारण उसमें से आग की बू आएगी। उस बू को निकालने के लिए थोड़ा हल्दी लगाकर अच्छी तरह धो लेंगे। इस मुर्गे में मेलेनिन की मात्रा अधिक होती है, इस कारण इसकी हाड़ियां भी काली होती है। मुर्गी के गोश्त को हमारे जरूरत के अनुसार छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया गया है। बाजरा खाना के लिए हमने लगभग 1 किलो बाजरा को साफ करके ले लिया है। बाजरा खाना बनाने के लिए थोड़ा पानी डालकर बाजरा को भीगने के लिए रख देंगे। अब धनिया और लाल मिर्च को कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह भून लेंगे। हम बाजरा खाना को उबाल कर पकाने जा रहे हैं, उसके अनुसार थोड़ा पानी को गर्म होने के लिए रख देंगे। अब अदरक और लहसुन को सिलबट्टा में डालकर पीस लेंगे। अब उसके साथ ही दालचीनी और लवंग को भी सिलबट्टा में डालकर पीस लेंगे। अब लाल मिर्च और धनिया को भी सिलबट्टा में डालकर अच्छी तरह पीस लेंगे। अब आधा मुट्ठी नारियल को भी सिलबट्टा में डालकर पीस लेंगे। अब इसके साथ ही भुना हुआ चना डालकर पीसना शुरू कर देंगे। अब छोटा प्याज को भी अच्छी तरह पीस लेंगे। अब गर्म होने के लिए रखा गया पानी अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब बाजरा अच्छी तरह भीग चुका है, उसे अच्छी तरह धोकर गर्म पानी में डाल देंगे। इसे हिलाते रहना होगा ताकि बाजरा जलने ना पाए। खाना अब अच्छी तरह गल चुका है, अब इसे चूल्हे से उतार देंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद थोड़ा मूंगफली का तेल डाल लेंगे। तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है, अब सौंफ डाल लेंगे। अब पीसा गया अदरक लहसुन और दालचीनी लवंग डाल देंगे। अब पीसा गया छोटा प्याज डाल देंगे, उसके साथ ही थोड़ा करी पत्ते डाल देंगे। अब काटा गया टमाटर डाल देंगे। टमाटर फीका पड़ते समय ही थोड़ा क्रिस्टल नमक डाल लेंगे, उसके बाद थोड़ा हल्दी पाउडर डाल देंगे। टमाटर अब अच्छी तरह फीका पड़ चुका है, अब काटा गया गोश्त डाल देंगे। अब काटा गया हरी मिर्च डाल देंगे।
अब पीसा गया मिर्च और धनिया को पानी में घुलकर गोश्त के साथ मिला लेंगे। गोश्त को गलाने के अनुसार पानी डालकर गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। गोश्त अब अच्छी तरह गल चुका है। अब पीसा गया नारियल और चना को पानी में घुलकर गोश्त के साथ मिला लेंगे। डाला गया नारियल और चना अच्छी तरह उबलने के बाद धनिया पत्ते डालकर शोरबा को चूल्हे से उतार देंगे। रविवार के दिन मांसाहारी भोजन न हो तो कुछ लोगों को पूर्ण रूप से मन नहीं लगता, मुर्गी के गोश्त को और भी पसंद से खाते हैं। अगर इस तरह पारंपरिक तरीके में बाजरा खाना के साथ मुर्गी गोश्त का शोरबा को खाया जाए तो वो जिंदगी भर इस स्वाद को नहीं भूल पाएंगे।